सो हे एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डू 9th स्टैंडर्ड मराठी यूनिट 2 का 5th चैप्टर, जिसका नाम है व्या यामाद से महत्व। ओके, सो गाइज, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हमारा पोएम है, पोएम जो स्टार्ट हो रहा है हमारा, वो है सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। एंड इफ़ यू नो, अगर आप पहले भी मेरा वीडियो देख चुके हो या आपने डाइजेस्ट यूज़ किया है, तो आपको पता होगा कि जो डाइजेस्ट के पेजेस होते हैं उसमें पर्टिकुलरली कोई भी जो पार्ट स्टार्ट होता है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, एंड कोई पार्ट अगर रिमेनिंग रह जाता है सो राइट साइड में आपको बताया जाता है, मतलब कंटिन्यू पार्ट होता है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर देखिए सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम दिया गया है, देन उसके बाद जस्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है शब्दार्थ। शब्दार्थ इज इम्पॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट कीजिए, शब्दार्थ इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर, अगर आप वर्कबुक यूज़ करें, वर्कबुक के तौर पे ये इस वीडियो को देख रहे हो, सो अगर आप समानार्थी वर्ड्स, अगर आपको समानार्थी वर्ड्स के आंसर्स नहीं मिल रहे, सो आपको यहाँ पर शब्दार्थ में वो वर्ड्स ढूंढ कर आप इसकी मीनिंग लिख सकते हो। सो ये हेल्पफुल है शब्दार्थ। एंड वही बात करूँ मैं राइट साइड की, सो मैं बोथ साइड का बताते हुए चलूँगी, एंड अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ रहा है तो आप एक बार रिप्ले ज़रूर कर लेना, पहले आप लेफ्ट साइड को वॉच कीजिए, आई सजेस्ट यू, देन उसके बाद कंटिन्यू करके वापस से राइट साइड को देखिए, ओके, रिप्ले करके। यहाँ पर देखिए वाक्य प्रचार व त्यांचे अर्थ दिया गया है, ओके, टॉप में। देन उसके बाद देखेंगे कवितेचा भावार्थ, कवितेचा का भावार्थ भी इम्पॉर्टेंट है, ओके, सो मीनिंग कविते का अगर नहीं पता होगा तो वही दिया गया है, सो कवितेचा भावार्थ इम्पॉर्टेंट है, सो ये बताया, ओके। सो यहाँ पर देखिए शब्दार्थ दिया गया है, शब्दार्थ जो हमारा कंप्लीट, टोटली कंप्लीट हो जा रहा है लेफ्ट साइड में, सो यहाँ पर आपको रिप्ले करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्लियरली समझ आ रहा है शब्दार्थ लेफ्ट साइड में, फिर उसका कोई भी पार्ट राइट साइड में नहीं रिप्ले दिया गया कंटिन्यू, फिर जस्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है वाक्य प्रचार, फिर उसके बाद वाक्य कवितेचा भावार्थ दिया है, ओके, ऐसे करके दिया है। एंड गाइज, मैं आपको कवितेचा भावार्थ समझा दूँ, सो यहाँ पर देखिए आपका कोई भी पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देन यहाँ पर ओवर हो रहा है, सो ये जो डबल लाइन हुए ये फुल स्टॉप का मात्रा होता है, सो वो आपको यहाँ पर दिया गया, सो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ऐसे करके दिए गए, सो आपको कभी कभी आंसर नहीं मिलता होगा कवितेचा भावार्थ करके, सो मैं आपको डिटेल में बता दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जो एक आपका दो स्टांस है उसका आंसर रहेगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे करके दिया गया, एक बार आप रीड कीजिए देन उसका आंसर आपको इजीली समझ जाएगा, ओके। अगर मैं डिटेल में अगर आपको थोड़ा बताऊँ, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो स्टार्टिंग के दो स्टांस है उसका दिया गया मीनिंग, फिर थर्ड और फोर्थ स्टांस जो है जो उसका मीनिंग दिया गया, फिफ्थ और सिक्स का ऐसे करके दिया गया, सो आप प्लीज़ अच्छे से चेकआउट ज़रूर कर लेना, ओके। यहाँ पर जैसे मैंने बात की आपको शब्दार्थ के बारे में, शब्दार्थ में देखिए यहाँ पर ये दी, यहाँ पर ओवर हो जा रहा है, यहाँ तक ये दिया गया, देन उसके बाद देखेंगे जस्ट हमारा टॉपिक जो स्टार्टर वो है दीपा लिया भी स्टार्ट हो जा रहा है, ओके। फिर उसके राइट साइड में मैंने जैसे बताया वाक्य प्रचार दिया गया है, फिर वही मैं बात करूँ आपको यहाँ पर राइट साइड में, सो यहाँ पर हमारा कवितेचा भावार्थ ओवर हो जा रहा है, देन हमारा स्टार्ट हुआ है पैराफ्रेज ऑफ द पोएम, पैराफ्रेज ऑफ पोएम इम्पॉर्टेंट है, ओके, एज कम्पेयर टू योर एग्जामिनेशन और वर्कबुक पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। सो पैराफ्रेज का जो कंटिन्यू पार्ट होगा वो आपको नेक्स्ट पेज पे दिया होगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए टीपा लिया दिया गया, और गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो 46 पेज नंबर ओवर हो रहा है, और गाइज इफ़ यू डिडेंट सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए, एंड आई हैव गिवन द ऑल लिंक्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड वीडियोस इन डिस्क्रिप्शन, सो डिस्क्रिप्शन को भूलिए मत चेक करने के लिए, सो प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन लिंक, ओके। सो गाइज यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया पैराफ्रेज के बारे में, सो पैराफ्रेज का कंटिन्यू पार्ट यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, फिर अगर आप नोटिस करेंगे थिंकिंग तक पॉइंट नहीं रहता है, थिंकिंग के बाद जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पर है, सो प्लीज़ चेक, मैंने जैसे बताया लेफ्ट साइड के बाद राइट साइड में कंटिन्यू पार्ट दिया होता है, सो वो आपको दिया हुआ है, ओके। फिर जो हमारा पैराफ्रेज ख़त्म हो रहा है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ओके, सो यहाँ पर हमारा पैराफ्रेज ख़त्म हो रहा है। देन अगर आप नोटिस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो स्टार्ट हो रहा है वो है हमारा कृति स्वाध्याय एवं उत्तर क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर्स, वही मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया है, कृति एक आपको दिख रहा है, ओके, यहाँ पर देखिए
आपको कृति एक दिया गया लेफ्ट साइड में, एंड कृति एक का आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से नोटिस करेंगे तो आपको एक स्टार मार्क दिखेगा। सो स्टार मार्क का मतलब होता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक से दिया गया है। सो आपको ऐसे वरी नहीं होना पड़ेगा कि कहाँ पर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और कहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए। सो जहाँ पर भी आपको स्टार मार्क क्वेश्चन दिख जा रहा है, स्टार मार्क दिख जा रहा है, वहाँ वो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में का क्वेश्चन है, ओके। एंड वही मैं राइट साइड की बात करूँ, सो राइट साइड में देखिए ये हमारा पैरा दिया गया है, ओके, ये टोटल हमारा पैरा दिया गया है। इसके बेस पे आपको ये सब एक्सरसाइज पूछे गए, सो वो इसलिए एक्स्ट्रा में पैराग्राफ समझाया गया। एंड गाइज, जैसे मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, ये कृति एक के टोटल क्वेश्चन पहले देंगे, देन उसके बाद उसका आंसर आएगा। जैसे कृति एक में अगर आप नोटिस करेंगे सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी दिख रहा है, देन सेकेंड क्वेश्चन देखिए स्टार मार्क दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन दिख रहा है, सो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके क्वेश्चन के बाद आपको आंसर दिया होगा। वही मैं बात करूँ राइट साइड की, यहाँ पर देखिए आपका ओवर हो जा रहा है स्टांजा, देन उसके बाद देखिए यहाँ पर उत्तरे करके आया है। सो उत्तरे का जस्ट मीनिंग है कि आपका जो कृति है उसका आंसर यहाँ पर जस्ट दिया है। ये आपका स्टार मार्क का क्वेश्चन था, आपको याद है ना, ये देखिए जस्ट आपके बाजू में ये आपका है। सो ऑलरेडी आपको दिया गया, सो आपको ऐसे वरी नहीं होना पड़ेगा कि आंसर कहाँ पर है, ओके। सो मैं आपको एकदम डिटेल में बताती हूँ, चल रही जस्ट साइड बाय साइड आपको आंसर दिया गया। और जैसे मैंने आपको बताया कृति एक के देखिए सेकेंड क्वेश्चन था, देन थर्ड क्वेश्चन भी आपका स्टार मार्क है। सो दिस इज योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन बोथ, मतलब कृति एक के जितने भी क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, फर्स्ट का ऊपर दिया गया था, ये सेकेंड का आंसर है। और वही मैं बात करूँ थर्ड का, सो थर्ड का यहाँ पर नहीं दिया गया, सो थर्ड का नेक्स्ट पेज पे दिया होगा आंसर, देन उसके बाद कृति टू दिया होगा। सो यहाँ पर देखिए हमारा ओवर हो रहा है 47 पेज नंबर। और गाइज, इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग दिस वीडियो इन क्वालिटी, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो इन क्वालिटी। वीडियो ब्लर नहीं होता है, प्लीज़ आप क्वालिटी भी वॉच करेंगे, सो इट्स बेटर फॉर यू, ओके। सो गाइज, जैसे मैंने बात की आपका कृति एक का जो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे सो आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको दिखता होगा। ये फोर क्वेश्चन दिए गए, थर्ड क्वेश्चन का बहुत छोटा आंसर है, सो टॉप में है वो सर, सो प्लीज़ नोटिस इट, ओके। ये छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से आपका कमेंट आता है कि आंसर्स नहीं मिल रहे, बट इट्स देयर, ओनली थोड़ा सा आंसर ढूंढेंगे तो अच्छे से मिल जाएगा, ओके। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द वीडियो इन डिटेल। फिर वहाँ पर अगर मैं बात करूँ कृति टू की, जैसे मैंने आपको बताया, सो कृति टू का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका स्टार मार्क है। आपको स्टार मार्क तो अभी दिखता नहीं होगा, बट आई एम टेलिंग यू कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कृति टू का भी, वो भी आपका स्टार मार्क है, ओके। एंड वही भी देखिए आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको कोई भी स्टार मार्क नहीं दिख रहा है, सो दिस इज नॉट योर क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक, ओके। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पूछा गया। फिर राइट साइड की अगर मैं बात करूँगी, सो यहाँ पर देखिए आपको एक स्टार मार्क दिखता होगा, देन फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको स्टार मार्क दिख रहा है, सो दिस इज योर स्वमत, स्वमत दिया गया और वो स्टार मार्क है। सो मैं आपको वो बताती हूँ, चल रही हूँ आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के। सो देखिए यहाँ पर गाइज नोटिस करेंगे, सो कृति टू के सिर्फ दो ही क्वेश्चन दिए गए थे, एंड उसका जस्ट आंसर स्टार्ट भी हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए जस्ट आपका आंसर स्टार्ट हुआ है कृति टू का, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टार मार्क था उसका आंसर, देन सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ नॉट स्टार मार्क, ओके। वही मैं बात करूँ कृति चार की, जो राइट साइड में बात कर रही थी स्वमत का, सो यहाँ पर ओवर हो जाता है, ओके। एंड थर्ड जो हमारा कृति है वो स्टार्ट हो जाता है शब्दांत से अर्थ, वो दिया गया, ओके, कृति तीन। फिर वही नोटिस करेंगे सो हमारा कृति चार भी दिया गया। सो कृति चार जो स्वमत में बोल रही थी वो है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में जो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दैट इज ऑल अबाउट योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, स्टार मार्क क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। सेकेंड क्वेश्चन में कोई स्टार मार्क नहीं है, सेकेंड क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है, बट अगर आपके वर्कबुक में पूछा गया है सो आप ज़रूर लिखिए, ओके। एंड जैसे मैंने आपको बताया थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, थर्ड फोर्थ जो क्वेश्चन है, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन वो आपका टॉप में दिया गया, सो आप एक बार ज़रूर रिप्लाई कर लीजिए, जिससे आपको एकदम क्लियर कट समझ आएगा। सो वही मैं बात करूँ यहाँ पर राइट साइड की, सो राइट साइड में आपने नोटिस किया होगा ये सब आपके एप्रिसिएशन दिए गए हैं, कविता
फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सो ऐसे करके आपको एप्रिसिएशन देंगे। एप्रिसिएशन नाइन्थ में के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना टेंथ में सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि बोर्ड्स एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ओके, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड का ऐसे करके दिया गया है, एंड जो बाकी पॉइंट्स रहेंगे एप्रिसिएशन के वो आपको नेक्स्ट पेज में दिए रहेंगे। और गाइज, इफ़ यू कमेंट कि अगर आपको सिर्फ एप्रिसिएशन का वीडियो चाहिए नाइन्थ के और टेंथ के, सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं सिर्फ आपको एप्रिसिएशन भी प्रोवाइड ज़रूर करूँगी। ओके, सो यहाँ पर हमारा ओवरऑल है 48 पेज नंबर। जैसे कि हमारा 3 पॉइंट तक दिया गया था एप्रिसिएशन, सो वो एप्रिसिएशन 3 ही पॉइंट था, लेकिन हमारा जो फोर्थ एप्रिसिएशन में टोटल 6 पॉइंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। जो यहाँ पर देखिए फोर्थ और फिफ्थ और 6 पॉइंट है वो आपको यहाँ पर दिया गया। ओके, फिफ्थ हो गया, फिर देन यहाँ पर आपको 6 है। एंड गाइज, अगर आप नोटिस करेंगे जो आपका फिफ्थ का आंसर है, आपका जो फिफ्थ का आंसर है वो कंटिन्यू हुआ है। ओके, यहाँ पर राइट साइड में, यहाँ पर देखिए महाराज यानी साकरा लीला आए। ओके, ऐसे करके दिया गया कंटिन्यू, देन उसके बाद आपका 6 पॉइंट दिया गया शब्दांश से अर्थ। फिर जस्ट अगर आप नोटिस करेंगे, आपको एक भाषा अभ्यास करके पॉइंट दिख रहा है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू योर वर्कबुक। वर्कबुक में ज़्यादा ग्रामेटिकल क्वेश्चन होते हैं, सो आपके लिए हेल्पफुल है। इसमें भी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे दिए गए, उसके जस्ट बाद आपको आंसर दिया गया। अच्छे से नोटिस करते चलिए। ओके, वही बात है। एंड मैं वही राइट साइड की बात करूँ, तो आपका जो विरुद्धाती शब्द है, जो लेफ्ट साइड में स्टार्ट हुआ है उसका क्वेश्चन, लेकिन उसका जो आंसर है आपको लेफ्ट राइट साइड में दिया गया है। ये पूरा आपका विरुद्धाती का आंसर है, एक बार रिप्ले कर लेना, आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा। ओके, सो ऐसे आपके जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन हैं वैसे सब दिए गए हैं, आप पार्ट करके, मतलब डिफरेंट पार्ट्स करके ऐसे आपको क्वेश्चन दिए गए। ओके, सो जो लास्ट पॉइंट है हमारा लेखन अनुसार दिया गया लेखन, या उसका आंसर है। एंड जो मैंने आपको बताया था शब्द संपत्ति का जो विरुद्धाती शब्द है उसका आपका जो मीनिंग का आंसर है वो टॉप में दिया गया राइट साइड में, सो प्लीज़ गो एंड चेक इट। सो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, हमारा चैप्टर जो है और जो जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सब ओवर होता है। सो गाइज, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। And if you didn't subscribe the channel, please subscribe and hit the bell icon. And if you have any doubt, so please comment. So, milte hain next video mein. Thanks for watching this video.